दोस्तों कि आपके मोबाइल की बैटरी भी जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, आप अपने मोबाइल को जो है वो 100% कर लेते हैं तो आपका मोबाइल जो है वो आधा दिन भी नहीं निकालता। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में भी जो है वो आपकी मोबाइल की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में जो है वो दो ट्रिक बताऊंगा। पहले नंबर वाली ट्रिक तो जो है वो आपके मोबाइल में जो है वो अच्छा वर्क करेगी, अगर आपके मोबाइल में वो ट्रिक जो है वो वर्क नहीं करती तो लास्ट में आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक जो है वो आपके मोबाइल फोन में 100% वर्क करेगी और आपके मोबाइल की बैटरी जो है वो जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। तो आपने जो है वो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने अपनी फ़ोन की सेटिंग में चले जाने। फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में आपने नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है वो मोर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो ऐप्स के नाम से भी हो सकता है, तो आपने यहाँ पर कर देना है क्लिक। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा एप्लीकेशन वाला ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो स्टार्ट का। दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन में जो है वो सेटिंग में जो है वो सर्च वाला ऑप्शन है, तो आपने सर्च करके जो है वो ऑटो स्टार्ट वाला ऑप्शन जो है वो ढूंढ लेने। जैसे ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपने यहाँ पर करना है क्या है, मान लो कि आपको यहाँ पर जो है वो आपके मोबाइल फोन में जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी, तो आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके यहाँ पर जो है वो किसी एप्लीकेशन में जो है वो ऑन तो नहीं है। मान लो कि ऐसे ऑन तो नहीं है, अगर आपकी किसी भी एप्लीकेशन में जो है वो यहाँ पर ऑन होगा तो आपने करना क्या है, आपने उसको जो है वो ऑफ कर देना है। क्योंकि दोस्तों इससे होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्टिवेटेड व्हेन पावर ऑन एक्टिवेटेड इन दी बैकग्राउंड। दोस्तों ये जो है वो आपकी भी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में चलती रहती है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे तो आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, मान लो कि मैं जैसे कि सभी ऑप्शन आपके मोबाइल फोन में ऑन हो सकते हैं, तो आपने इन सभी ऑप्शन को जो है वो ऑफ कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे फोन की बैटरी जो है वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो आपने सबसे पहले आपने जो है ऑटो स्टार्ट वाले ऑप्शन में आकर जो है वो चेक करना है कि आपने यहाँ पर जो है वो कोई भी ऑप्शन ऑन तो नहीं है, अगर कोई भी ऑप्शन ऑन होगा तो आपने उसे ऑफ कर देना है, आपके मोबाइल की बैटरी की लाइफ जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों उसके बारे में भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, आपके मोबाइल की जो है वो बैटरी जल्दी ख़त्म होती है, तो आपने बैक जाना है। बैक जाने के बारे में दोस्तों आपने करना क्या है, आपने जो है वो फिर से मोर सेटिंग पर करना है क्लिक। मोर सेटिंग पर क्लिक करने के बारे में आपको जहाँ कहीं भी आपके मोबाइल फोन में जो है वो बैकअप एंड रीसेट वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपने वहाँ पर कर देना है क्लिक। दोस्तों मैं आपको जो है वो अपने मोबाइल को रीसेट करने के बारे में नहीं बोलूंगा, तो आपने जो है वो अपने मोबाइल को रीसेट नहीं करना है, आपने सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ पर दिखेगा रीसेट ऑल सेटिंग। दोस्तों नीचे की तरफ लिखा भी है रिस्टोर सिस्टम डिफॉल्ट सेटिंग विदाउट डिलीटिंग एनी डाटा, तो आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपकी फोटो वीडियो जो भी होगा वो कुछ भी डिलीट नहीं होगा, सिर्फ होगा क्या, आपकी जो भी पहले जो आपने जैसे कि नया फोन लिया था जो आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग आई थी वो सेटिंग जो है वो आप जैसे यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बारे में अपने मोबाइल फोन का जो है वो लॉक लगाओगे, उसके बारे में होगा क्या, जो भी आपकी सेटिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही होगी आपके फोन में, वो जो है जैसे ही आप ये कर दोगे उसके बारे में वो सारी की सारी सेटिंग जो है अगर आपसे जो है वो कोई भी सेटिंग ऑन या ऑफ होगी होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो जाती है, तो आपने इसको जो है वो अपनी सेटिंग को रीसेट कर देना है, उसके बारे में आपकी जो भी बाय डिफॉल्ट पीछे से सेटिंग आई होगी वो आपके मोबाइल फोन में हो जाएगी और उसके बारे में आपकी प्रॉब्लम भी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो। दोस्तों अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपकी हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हैं दोस्तों भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।